कस्बा के यूको बैंक के सामने खाता धारकों की बड़ी भीड़ लगी हुई रहती है, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं की संख्या होती है। ये महिलाएं घंटों तेज धूप में रुपये की निकासी के लिए कतार में खड़ी रहती हैं और प्रशासन भीड़ के बारे में जानने के बावजूद भी बेखबर रहती है। कस्बा के अंचलाधिकारी ने बैंक के सामने खड़ी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय थाना पुलिस को फोन भी किया, किंतु पुलिस ने इसे भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और घंटों बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को लाइन में खड़ा किया, किंतु इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं दिखी। कोरोना महामारी को लेकर के देश भर में लोगों से खासतौर से अपील की जा रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किंतु इस इलाके के लोग जागरूक नहीं रहने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती और पुलिस की जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पुलिस को विशेष निगरानी करनी है। इसके बावजूद भी स्थानीय थाना पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण समझने वाले लोगों को लगता है कि इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि पूर्णिया क्षेत्र में अभी तक कोरोना के कोई भी मरीज सामने नहीं आए हैं, जिसके कारण अभी इस क्षेत्र को सुरक्षित जोन माना जाता है और अगर इस क्षेत्र में कोरोना के एक भी मरीज आ जाते हैं तो इस तरह की भीड़ रहने के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जाना नहीं मिलता है, 10 बजे से लाइन में है, कुछ नहीं मिलता है। बैंक में भीड़ लगाई है, पैसा लेने के लिए आई है गरीब लोग, हमको पैसा चाहिए, सरकार मोड़ दिया हमको भूखा। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पे परेशानी क्या हो रही है? परेशानी हो रही है, पर जो खाता में रुपया आ गया है तो आदमी जो है कि हलचल हो गया कि हमको खाता से पैसा निकालना पड़ेगा, मतलब उसका दूरी रहना चाहिए, 1 मीटर की लाइन की दूरी रहना चाहिए, मगर पब्लिक समझ नहीं रहे बात को, तो क्या कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डिस्टेंस दूरी रहना दूरी रहना चाहिए, ऐसा सिस्टम यहाँ पर है नहीं। आखिर यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी है प्रशासन मिले आ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत समस्या खराब है। क्या पैसा रहते हैं, पैसा खत्म नहीं भेजता सरकार, बोलते घर में है, कैसे रहेंगे घर? अभी एक चार चुप दे करके अब तू एक शनिचर को घूम के गए शनिवार को, फिर आ जाए खाता में चेक किया पैसे नहीं है। ये क्या परेशानी है? वो बैंक में आए हैं पैसा उठाने के लिए। कौन से बैंक में? इको बैंक में। आप अपना निजी पैसा उठाने आए हैं? हाँ। अच्छा, परेशानी क्या है यहाँ पर? परेशानी है कि काम धंधा नहीं चलता है कि ना, खाना कुंज खाए कुंज। यहाँ पे आए तो क्या दिक्कत हुई? यहाँ दिक्कत आ गई ना, यहाँ भीड़ लगा हुआ है, बेसी भीड़ लगा। कितने देर से आप लाइन में खड़े हैं? 3 घंटा हो गया है, 3 घंटा हो गया है। 3 घंटे से खड़े हैं? हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? तो अंदर जाएंगे ना, वहाँ पैसा उठाएंगे कि नहीं? माँ विद्या निकेतन स्कूल, चुनापुर रोड, रहमत नगर, पूर्णिया, वर्ग नर्सरी से दसम तक, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक उत्कृष्ट स्कूल, सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आज ही दाखिला लें। हमारा पता है माँ विद्या निकेतन स्कूल, चुनापुर रोड, रहमत नगर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9534297548। पेट्रो, स्त्री, शिशु, पाद एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीबा भारद्वाज, पूर्णिया शहर की सेवा में 20 वर्षों से हेमोपैथिक को समर्पित डॉक्टर नीमा भारद्वाज, बाहर से आए रोगियों के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न तरह के बीमारियों के समाधान के लिए आज ही पधारे डॉक्टर नीमा भारद्वाज, राय बहादुर मेमोरियल हेमोपैथिक नर्सिंग होम, डोहरी मोटर्स के सामने, पक्की तालाब, पूर्णिया।